F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। आप ये पूरे रास्ते को देख सकते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो पार्किंग से लेकर ये भातुबत्ती स्टैंड तक इस पूरे रास्ते पर ऐसे छोटे छोटे कंकड़ पूरे रास्ते में भरा पड़ा है। कोई कहता है कि सड़कों पे गड्ढे नहीं है, अंडमान की सड़क देख के तो ऐसा लगता है मानो गड्ढों में सड़क बना दिया गया हो। मेहरबानी कर रही है प्रशासन हम पर कि गड्ढों के बीच में थोड़ा थोड़ा सड़क दे रहे हैं हमें। कोई कहता है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चालाक है, बहुत दिमाग लगाती है, वो नहीं चाहते कि जो अल्कोहलिक्स है, ड्रग एडिक्स है, वो गाड़ी चलाएं। अगर ये गड्ढे रहेंगे तो वो अल्कोहलिक्स गिरेंगे, वो नशाखोरी करने वाले वे तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चला पाएंगे और बाकी लोग सुरक्षित रहेंगे। कई जगहों पे हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने जनता की मांगों पर उनके जो भी काम थे उनको किया गया, हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए। नमस्कार, मैं नित्या न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों में रास्तों की हालत किसी से छुपी नहीं है। हमारे चैनल पर भी रोज सैकड़ों कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं रोड्स की शिकायतें करते हुए। हमारी टीम ने भी पोर्ट ब्लेयर के कुछ एरियाज के रास्ते की कवरेज की और प्रशासन का ध्यान इस पर आकर्षित करने की कोशिश की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामी जी की यह रिपोर्ट देखते हैं, जहां वे बार बार LG सर और CA सर और DC मैडम से विनती कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई ऑर्डर निकाले ताकि द्वीपवासियों को भी रास्ते के तकलीफों से राहत मिले। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं भातुबस्ती जो पार्किंग स्टैंड है उसके सामने जो मुख्य रास्ता है, मेन सड़क, वहां पे खड़ा हूं। हमें कई लोगों ने फोन किया, कई लोगों ने हमें कमेंट्स में भी बताया कि यहाँ की रोड की जो हालत है बहुत बुरा है। यकीनन अगर आप इन रास्तों को देखते हो तो यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ है और कई जगहों पर ऐसे कंकड़ पड़े हुए हैं पूरे रास्ते पे। आप देखिए पूरे रास्ते में लगभग उस कोने से लेके भातुबस्ती जंक्शन तक जो रास्ते का हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बीच रास्ते में अगर इस तरीके से कंकड़ पड़ी रहेगी तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी फिसलने का डर रहता है और टू व्हीलर्स की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। ज़रा सा उन्होंने अगर हल्का से व्हील को टर्न किया और ब्रेक लगाया तो तुरंत गाड़ी गिर जाएगी। और सबसे बड़े खतरे की बात तो जो छोटी टायर वाली स्कूटीज होते हैं इनका होता है, कई सारे एक्सीडेंट के मामले यहाँ पर हुए हैं, लोग परेशान हैं, आए दिन हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस पर रिपोर्ट बनाएं। हमारी जो जिम्मेदार विभाग है उनको जागना है और लोगों को उनकी जो हक की चीज़ है, बिजली, पानी, सड़क, ये उनको मुहैया करानी है। हम गुजारिश करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, LG सर, CS सर, DC मैम, प्लीज़ 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 इन रास्तों पर आकर प्लीज़ एक बार देखिए कि कितने खतरनाक तरीके से लोग यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं। क्या लोगों की जान की कीमत नहीं है? छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारे स्कूल है यहाँ पे अगल बगल, हर वक्त खतरा मंडराता रहता है कि कब ना जाने एक्सीडेंट हो जाए। आप सिर्फ इस गड्ढे को देखिए, आप सिर्फ इस गड्ढे को देखिए कि अगर अनजाने में कभी कोई यहाँ इस गड्ढे के ऊपर से गुजरता है, टू व्हीलर, खासकर जो टू व्हीलर है, तो उनका गिरना निश्चित हो जाता है। क्या हम आम जनता टैक्स नहीं भरते हैं? हम एक छोटी सी अगर टूथपेस्ट की ट्यूब भी खरीदते हैं तो हम उसमें भी टैक्स देते हैं, बकायदा उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि सरकार जो है वो हमें सामान देने से पहले ही टैक्स का पैसा हमसे वसूल लेती है।
जो पैसा हम देते हैं टैक्स मिलाकर ही देते हैं। हर चीज़, पिन, सेफ्टी पिन, ब्लेड कहिए या बड़ी से बड़ी कारें, बसेस, ट्रक्स जो लोग खरीदते हैं, हर चीज़ में टैक्स होता है। तो हम सरकार को तो पैसा देते ही हैं, ये हम जनता का ही पैसा है। और ये सरकार हमारा पैसा लेके सरकार क्या करती है? लोगों का बड़ा सवाल यही है कि हम टैक्स पेयर हैं तो फिर हमें जो मूल ज़रूरत है वो हमें क्यों नहीं मिलती? सालों से हमारे देश में ऐसे मुद्दों पर सवाल उठते आए हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आज मैंने रिपोर्टिंग की तो कल ये ठीक हो जाएगी। मैं बस एक एहसास दिलाना चाहता हूँ कि कृपया प्लीज़ हमारी जो एक्टिव आईएएस की टीम है इस वक्त, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है इस वक्त, जिसकी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, हमारे सीएसआर की लोग बहुत गुण गाते हैं कि बहुत एक्टिव है, हर चीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, आते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और रिज़ल्ट भी निकालते हैं। तो क्या हमारे सर हमारी बातें सुन रहे हैं? हम जनता की दुख परेशानियों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं? सर इमेजिन करिए कि अगर यहाँ पे भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, कल किसी का हाथ पांव टूट जाए, किसी की जान चली जाए, फटाफट यहाँ पे लीपापोती का काम शुरू हो जाएगा। उस वक्त भी रोड तरीके की नहीं बनेगी, इन गड्ढों को भर दिया जाएगा, जो एक बारिश में आप अगले दिन आके देखिएगा वो फिर धुल के निकल जाएगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये हमारी मूल ज़रूरतें हैं, इन पर ध्यान दीजिए। ये अधिकार है हम लोगों का कि हमें अच्छी सड़क मिले, हमें साफ पानी मिले पीने के लिए, हमें 24 घंटा बिजली मिले। अंडमान में कई सारे सड़क हादसे होते हैं, यहाँ पे सड़कों में लेन्स नहीं हैं, कई सड़क बहुत सारे छोटे हैं। हमने कितनी रिपोर्टिंग कर दी है अभी अब तक एक्सीडेंट्स को लेकर, उसके ऊपर से अगर सड़क की ये हालत रहेगी, यानी कि ये तो डेफिनेट हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन तभी जागेगी जब यहाँ पे कोई हादसा होगा। उस पर भी मैंने जैसे कहा कि जो रास्ता है उसको ठीक से नहीं बनाया जाएगा, बस इसकी लीपापोती ऊपर से उसको दोबारा से कवरिंग कर दिया जाएगा, जो एक दो बारिश में खत्म भी हो जाएगा। बुक योर ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन विद अंडमान ब्लू बे हॉलीडेज, अंडमान्स फर्स्ट फ्लाइट टिकट ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट। लॉग ऑन टू www.andamanbluebay.in फॉर ग्रुप टिकट्स। कॉल और व्हाट्सएप अस एट 9933215764। हमारे रास्ते जो हैं इस हालात में रहेंगे तो हम जो जगह, एक जगह से दूसरी जगह जहां हमें 15 मिनट में पहुंचना चाहिए वहीं हमें 45 मिनट एक घंटा लगे, तो ये कहां तक सही है? जैसा मैंने ट्रैफिक्स के बारे में बताया, ना यहां पे प्रॉपर स्ट्रीट लाइट है, ना ही ट्रैफिक लाइट्स है, कई जगह पे दूर दूर तक कोई भी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी नहीं रहती है, तो इन सब जगहों पर क्या होगा? लोगों को हम बार बार जागरूक करते हैं कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, मगर फिर भी कई लोग हैं जो इस बेपरवाह होकर बिना हेलमेट के जाते हैं। वो अलग बात है, वो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे उनको रोके, उनको चलान लगाएं, मगर ये जो सड़क है ये तो जनता की गलती नहीं है। हम मानते हैं कि जनता भी बहुत सारी गलती करती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि फिर प्रशासन भी गलती करे और ये जो हमारे हक की चीज़ है ये हमें ना दे। मैं आप लोगों को ये पूरा रास्ता दिखाऊंगा, पूरा भातू बस्ती में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सिर्फ हमारे भातू बस्ती का मसला नहीं है सर, मैडम, ये पूरे अंडमान निकोबार में अगर आप देखोगे तो पूरे अंडमान निकोबार के जो रास्ते हैं उनका यही हाल है। नेशनल हाईवे की तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। कई सालों से बन रही हमारी जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसका हालात तो इससे भी बदतर है। सोशल मीडिया में आए दिन आप सब देखते हो, सुनते हो कि नेशनल हाईवे की क्या दुर्दशा है। ये हमारी रोज़मर्रा की आने जाने वाली जगह है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम बड़ा सवाल ये करते हैं कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर दिया जाता है
क्या उनसे ये गारंटी ली जाती है कि कम से कम 3 साल 5 साल 10 साल तक ये जो रोड है ये ख़राब नहीं होगी, और अगर बाई चांस ख़राब होती भी है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनेगी कि वो उसको मेंटेन करें? क्या टेंडर सिर्फ यूं ही दे दिया जाता है कि रोड बना दो और काम हो गया? या ये भी उनसे कहा जाता है कि मिनिमम जो है 3 ईयर्स तक का उनका मेंटेनेंस, 5 ईयर्स तक का मेंटेनेंस या 10 ईयर्स तक का मेंटेनेंस भी होना चाहिए? और अगर ऐसा है कि उन लोगों को मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है? लोग हमसे बोलते हैं कि हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर किसी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स चोरी करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जब ये रास्तों को बनाते हैं तो इसमें चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, पैसा वो पूरा लेते हैं, बिल पूरा का बनाते हैं, जितना टेंडर में जो जो डिमांड्स होती है उन डिमांड्स को दिखाते हैं कि उन्होंने कितना क्या माल इस्तेमाल किया, क्या सामान इस्तेमाल किया, और उसका पूरा पैसा उनको मिलता है। लेकिन जो बनाते हैं क्या जनता को उसका पूरा फल मिलता है? जनता को ये मिलता है, ये रोड ऐसे रास्ते हमारे अंडमान निकोबार में बनते हैं, कुछ रास्ते तो 1 महीने के अंदर में ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई रास्ता चलता है तो वो है 6 महीना, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो 1 साल में वो रास्ता ख़राब होता ही होता है। तो क्यों नहीं हमारी प्रशासन इस पर सख्ती अपनाती है, और जिस किसी को भी टेंडर मिलता है जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको ये हिदायत दी जाती है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि कम से कम 3 साल 5 साल 10 साल तक इसको आप मेंटेन भी करें, लिपापोती का जैसा मेंटेनेंस नहीं, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से उसको मेंटेन करें। हम फिल्मों में यूट्यूब चैनल्स में जब बाहर देश की सड़कें देखते हैं तो हम तरसते हैं कि कब हमारा अंडमान निकोबार की भी जो सड़कें हैं वो अच्छी हो जाएगी, उस स्टैंडर्ड की हो जाएगी। क्यों हम क्या हम नहीं हो सकते? क्या हमारे पास सामान नहीं है? क्या हमारे सरकार प्रशासन के पास पैसे नहीं है? क्या हमारे पास तजुर्बेकार अनुभवी इंजीनियर्स नहीं हैं, आर्किटेक्ट्स नहीं हैं? सब है हमारे पास, हमारे देश के इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स पूरी दुनिया में माने जाते हैं, कई सारे बड़े बड़े देशों में जाके वहाँ पे अपना हुनर दिखाते हैं। तो क्या हमारे देश में इतने अनुभवी लोग रहने के बावजूद हमारे देश की सड़कों की हालत देखिए, क्यों हम लोगों को इस तरीके की सड़कें दी जाती है? लोग हमसे बार 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 यही सवाल करते हैं, लेकिन हम जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे कहने से कुछ नहीं होता, ये हमारे प्रशासन को करना है। आप ये पूरे रास्ते को देख सकते हो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो पार्किंग से लेकर ये भातुपति स्टैंड तक इस पूरे रास्ते पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे कंकड़ पूरे रास्ते में भरा पड़ा है। एक ज़रा सी मामूली सी चूक और टू व्हीलर वाला जो चालक है वो यूं ही गिर जाएगा। कितनी ज़्यादा सतर्कता सावधानी के साथ उनको चलाना पड़ता है इसका आपको अंदाज़ा लगाना होगा। ये धूल देखिए आप सिर्फ गाड़ी के मूवमेंट्स को देखिए, कोई भी गाड़ी एक लेन पकड़ के नहीं आ रहा है। ये जनता की गलती नहीं है, ये मजबूर हैं क्योंकि रास्ते भर में गड्ढे पड़े हुए हैं। इन बजरी से बचने के लिए कोई दाएं जाता है, कोई बाएं जाता है, ये जनता की गलती नहीं है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि वे खड़े होकर आंदोलन करें, अपना समय गवाएं, क्योंकि जितना समय वो रास्ते पर खड़े हो जाएंगे उतना उनको नुकसान होगा। कई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सबसे ज़्यादा खामियाजा तो इन लोगों को भरना पड़ता है। एक दिन अगर वे काम नहीं करें तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से अपना मैनेज कर लेते हैं। मैं उन टॉपिक्स में नहीं जाना चाहता, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें हमारी जो मूल ज़रूरतें हैं कृपया करके हमें दीजिए, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन जो है इस पर ज़रूर कोई ना कोई काम कर रही होगी और इसका कोई ना कोई तोड़ ज़रूर निकालेगी और हम लोगों को भी अच्छी सड़कें देगी। ये मुख्य रास्तों का हाल है, तो आप खुद ये जो गलियों के जो रास्ते हैं, छोटे रास्ते हैं, ये जो फुटपाथ है, आप वहाँ का अंदाज़ा लगा सकते हो। आप सिर्फ इन गाड़ियों के मूवमेंट्स को देखिए, कैसे गड्ढों से बचते हुए कोई दाएं से काटता है, कोई बाएं से काटता है। अचानक से अगर कोई पीछे उन गाड़ियों के चल रहा है उनको अचानक से गड्ढा ना दिखे तो उनका गिरना तो आप समझ लीजिए 100% श्योर है। अभी हम मुख्य रास्ते से गुप्तापारा
नया शहर की तरफ से जा रहे हैं। देखिए इन सड़कों की हालत, देखिए यहाँ पे देखिए बीच रास्ते में कैसे गड्ढे हैं। लोग कहते हैं कहीं तालाब है, कहीं नदियां हैं, कहीं झरने हैं, सड़क कम है, मगर ये प्राकृतिक सुंदरता सड़कों के ऊपर बिछी हुई है। आपने इस पूरे रास्ते भर में देखा होगा कि नया शहर सिप्पी घाट का जो टर्निंग है वहां से लेके गुप्तापारा जंक्शन तक सड़क की क्या हालत है। ये अभी हम बीच जंक्शन में, और आप देखिए जंक्शन का क्या हाल है, कंकड़ बजरी पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई भी 20-25 की स्पीड से भी टर्निंग नहीं कर सकता, उन्हें गाड़ी को बहुत ही धीमी गति में लाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद ही टर्निंग होता है, खासकर टू व्हीलर्स। क्या ऐसी होती है स्मार्ट सिटी की सड़कें? इस सड़क किनारे आप जो मिट्टी देख रहे हो, और इस वक्त जरा सा बारिश गिरा है, यकीन मानिए इनमें चलाना बहुत ही खतरनाक है। हमारे सामने जो रास्ता है यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, और इसमें दो पहिए चालक जो है इनके लिए बहुत खतरे वाली बात है। सिप्पी घाट से जब आप ग्यारह चरमा की तरफ आते हो, और एक रास्ता जो टेरलाबाद ओल्ड पहाड़ गांव जाता है, यहाँ पे बीच रास्ते में आप देख सकते हो कि सड़क की क्या हालत है। इतना बड़ा गड्ढा कि अगर जरा सा भी अगर किसी का ध्यान भटका तो वो इस बड़े गड्ढे में गिरकर बहुत बुरी तरह जख्मी हो सकता है। गड्ढे से अगर बच भी जाए इंसान तो उसके अगल बगल पड़ी जो बजरी है उससे तो बिल्कुल नहीं बच सकता। आप देख सकते हो कि अभी इसकी अगर मरम्मत की जाएगी तो इसके ऊपर लीपापोती कर दिया जाएगा, जैसे पहले भी किया गया था। आप वो निशान देख सकते हो, और इस लीपापोती में सिर्फ जो है इस गड्ढे को मिट्टी और पत्थर से भर दिया जाता है। थोड़ी दूर अगर आप आते हो तो ग्यारह चरमा का एक और जंक्शन जो है जो TTI की तरफ जाता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सड़क की क्या हालत है। और इस बाएं तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है देखिए कितना खतरनाक है, पूरी तरह छोटे छोटे कंकड़ और बजरी से भरा पड़ा हुआ है। मिस बैलेंस, ज़रा सी भी अगर गाड़ी मिस बैलेंस होती है, आप टेढ़ा मेढ़ा टायर करते हो तो आपका गिरना 100% बनता ही बनता है। ये ठीक जो ऋतिकास हॉस्पिटल है ग्यारह चरमा, इसके सामने का नज़ारा है। आप रोड के किनारे में जहाँ पे अक्सर जो है टू व्हीलर्स चलते हैं, आप इस गड्ढे को देखिए। अगर इस गड्ढे में अगर कोई भी ड्राइवर इसके ऊपर से गुजरता है तो वो नियंत्रण खोना एकदम वाजिब हो जाएगा और वो दुर्घटना का शिकार ज़रूर होगा। ये जो ग्यारह चरमा मेन रास्ता है वहाँ से जब आप आटम पहाड़ की तरफ आते हो तो घुसते साथ आपको ये नज़ारा मिलता है। बारिश का मौसम और रास्ते की हालत देखिए, और साथ ही रास्ते के ऊपर में जो पशु है, गाय है, वो भी घूम रहे हैं। ये जो रास्ता है आटम पहाड़ का, जो ग्यारह चरमा से होके आटम पहाड़ जाता है, और फिर दाएं तरफ जाने से आपको डॉलीगंज की तरफ जोड़ देता है। इस पूरे रास्ते की जो हालत है हद से ज़्यादा ख़राब है। मैं हमारे प्रशासन के नोटिस में इस रास्ते को ज़रूर लाना चाहूँगा। यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का यही कहना है कि इस रास्ते पर कई साल हो गए, दशक बीत गए हैं, मगर इसकी ना तो इस पर रिपेयरिंग का काम किया गया है, ना ही कोई मेंटेनेंस किया गया है। यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे आप देख सकते हो कि किस तरीके से गड्ढों को पार करते हुए यहाँ पे फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स सब पार होते हैं। एक बार आप सिर्फ इन गड्ढों की हालत देखिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे से भरा हुआ ये पूरा रास्ता है। यहीं पे लोग बरसों से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आटम पहाड़ के इसी रास्ते पे अगर आप थोड़े ढलान की तरफ आते हो तो ये नज़ारा आप देखिए कितना खतरनाक है। अगल बगल तो कूड़े की भरमार है, कुत्ता, गाय, मुर्गियाँ, हर कोई आपको रास्ते पे मिलेगी। ये देखिए
सड़क के किनारे कितनी मिट्टी जमी हुई है, जिससे ये जो मिट्टी है ये इस रास्ते को बहुत ही फिसलन बना देती है। इस वक्त हम डॉलीगंज FCI गोडाउन के सामने जो जंक्शन है वहां पर है। इस जंक्शन में आप देखिए बीचों बीच कितना सारा गड्ढा बना हुआ है और बजरी पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये मुख्य रास्ता है FCI की तरफ आने वाला, डॉलीगंज जंक्शन मेन रोड, डॉलीगंज जंक्शन से अंदर FCI की तरफ पूरे रास्ते का आप हालात देखिए। जो RMRCI जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, दिखाओ ना, उसके सामने का भी आप जो रास्ता है उसका नज़ारा देख सकते हो। यहाँ देखिए, देखिए उस कार वाले को किस तरीके से बहुत ही सावधानी से जाना पड़ता है। ऐसे सिर्फ ये कार नहीं, यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती है उनको बहुत अपनी गति को धीमी, अति धीमी करनी पड़ती है ताकि वो एक्सीडेंट के शिकार ना हो जाए। फिर बहुत ही ध्यान से जाना पड़ता है क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं। लंबा लाइन दिव्यम मैनर और CISF की जो गेट है इसके ठीक सामने का आप हालत देखिए। एक तरफ तो बीच में बैरिकेड लगा हुआ है और डाइवर्शन का जो पत्थर है वो भी बिछाई हुई है। अब इस तरफ पूरा का पूरा जो रोड है किस खस्ता हालत में है ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इस साइड से आने वाले जो भी वाहन चालक है इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक दिव्यम मैनर और CISF एयरपोर्ट गेट के सामने का ये नज़ारा है। ये सिर्फ आप देखिए जितनी भी गाड़ियाँ आती है देखिए उनकी क्या हालत होती है, उनको कितने सावधानी से, ये टू व्हीलर्स को देखिए आप, इनको देखिए। देखिए कितनी सावधानी से इनको यहाँ से गुजरना पड़ता है। ये जो नज़ारा है ये ठीक हमारे जो पुराने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके ठीक सामने रोड के इस तरफ का ये नज़ारा है। ये में कई जगहों पर आपको ये दिखाई देगा। डेरीफार्म से विजय बाग जो नेवल क्वार्टर्स है उस तरफ जो रास्ता आता है उस पूरे रास्ते को आप देखिए। ये देखिए पूरा रास्ते का तो हालत ख़राब ही है और साइड में जो इतने मोटे मोटे जो बजरी पड़े हुए हैं, पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं कि किनारे से जो टू व्हीलर होते हैं जब कोई बड़ा गाड़ी आर पार होता है तो टू व्हीलर्स किनारे पे ही जाते हैं और अगर उन किनारों में ये हाल हो तो फिर वो गाड़ी कहाँ चलाएं। और बीच रास्ते का नज़ारा आप खुद देख लीजिए, ठीक विजय बाग के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने बड़े बड़े गड्ढे भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। वहीं से आप जंगली कनेक्टिंग रोड जो जंगली घाट है उसकी तरफ बढ़ते हो तो देखिए बीच रास्ते का हालत देखिए आप, मानो छोटे छोटे स्विमिंग पूल बने हो, पॉन्ड्स बने हो यहाँ पे। देखिए आप पूरे रास्ते का हालत देखिए आप, जंगली घाट स्कूल की तरफ जाते हो तो इस रास्ते पर देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस पूरे रास्ते का क्या हालत है, आप खुद देख सकते हो। ये पूरा रास्ता जो है विदाउट मेंटेनेंस बहुत बुरी हालत में है। ठीक गोलघर पेट्रोल पंप के सामने सड़क के किनारे इस गड्ढे को देखिए आप। क्यों नहीं हमें प्रॉपर सड़क मिलती है कि हम भी निश्चिंत हो जाए कि हमें जहां पर भी जाना है वहां हम समय से पहुंच पाएंगे। आज आप पोर्ट ब्लेयर शहर में भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह अगर आप किसी को समय बताते हो कि मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं तो आप यकीन मानिए कि आप आधे घंटे में नहीं पहुंच सकते हो। छोटे मोटे ट्रैफिक जैम हर जगह पे हमारे लग जाते हैं। मैं यकीन मानिए कि अगर अंडमान निकोबार की कई सड़कें ऐसी हैं कि वहाँ पे अगर एक गाड़ी भी आके खड़ी हो जाए तो फिर वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, कई जगहों पर ऐसी हैं, तो आप कैसे समय पर पहुँच पाओगे। स्कूल आवर्स में यहाँ पे ऐसा ट्रैफिक जैम होता है, चाहे फिर वो गोलघर हो, भातू बस्ती हो, स्कूल लाइन हो, हर जगह पे आप उसका खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। मानो जैसे कोई सिस्टमेटिक तरीका ही नहीं है। हमारी पुलिस ट्रैफिक पुलिस विभाग आए दिन लोगों को समझाती है कि एक लाइन में चलें, पार्किंग के जगह पे पार्क करें, उसके बावजूद भी आप नज़ारा खुद रोज़ सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 तक और दोपहर को
2:15 से लेकर 3:30 तक आप खुद देख सकते हो। इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सड़कें हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, उनमें अच्छे लेन्स बनाए गए हों, पार्किंग के स्पेस दिया जाए। ये सिर्फ भातू बस्ती नहीं सर, आप कहीं कभी पोर्ट ब्लेयर में, आप म्यूनसिपल एरिया में कहीं पर भी ले लीजिए, सिवाय एक वो VIP रोड का एक स्ट्रेच, उसको छोड़कर आपको पूरे पोर्ट ब्लेयर में ऐसी ही सड़कें मिलेंगी। और ख़ासकर बरसात के मौसम में तो ये बहुत आम हो जाता है, जैसे बरसात में पूरी दुनिया में इसी तरीके की सड़कें होती हैं, लोग भी वैसे ही खामोश हैं, मगर कई लोग हैं जो जागरूक हैं, जो जानते हैं कि उनका अधिकार क्या है, वे आवाज़ उठाते हैं, मगर मजबूर है वो, उनके हाथों में कुछ नहीं होता है। जब से हम यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे लोग लेन्स बदल बदल के गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्योंकि हर किसी को गड्ढे से बचना है। क्यों हमें ये गड्ढा दिया जा रहा है, क्यों नहीं इन गड्ढों को भरा जा रहा है? ऊपर से आवारा पशु सड़कों में बैठना, ये एक आम बात है अंडमान निकोबार में। हमारे यहाँ पे डॉग स्क्वाड है, हमारे यहाँ पे कांजी हाउस है, मगर आवारा पशुओं को वहाँ पे नहीं रखा जाता है, सड़क पे ही बैठते हैं, उनके वजह से कई सारी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है। आप पत्थरगड्ढा कहिए, शादीपुर कहिए, नया गांव कहिए, नया शहर कहिए, हर जगह से लोग हमें कंप्लेंट करते हैं कि उनकी सड़कों की हालात देखिए। मैं गुजारिश करूंगा वार्ड के तमाम काउंसलर से, तमाम जो गांव के पंचायत के प्रधान से, ज़िला परिषद मेंबर से, हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन से और ज़िला अध्यक्ष से, लोग दिन रात आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया उनको उनकी जो मूल ज़रूरत है वो उनको अच्छे तरीके से दे दीजिए। बिजली, पानी, सड़क, तीनों का बुरा हाल है। बरसात का मौसम है, भरपूर पानी है, मगर कहीं अभी तक उन पानी को जमा करने का कोई भी इंतज़ाम नहीं हो रहा है। हो सकता है पेपर्स में हो रहा होगा, हमें इसकी जानकारी अब तक नहीं है। वही धूप काल आएगा, वही परेशानी की 10-10, 15-15 दिन में पानी मिलना और लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना, काउंसलर्स और पंचायतों को गाली गलौज करना कि उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है, वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। बिजली, आप सब जानते हो, हर चीज़ में लोग आवाज़ उठाते हैं। कोई कहता है कि सड़कों पे गड्ढे नहीं हैं, अंडमान की सड़क देख के तो ऐसा लगता है मानो गड्ढों में सड़क बना दिया गया हो। मेहरबानी कर रही है प्रशासन हम पर कि गड्ढों के बीच में थोड़ा थोड़ा सड़क दे रहे हैं हमें। कोई कहता है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चालाक है, बहुत दिमाग लगाती है, वो नहीं चाहते कि जो अल्कोहलिक्स है, ड्रग एडिक्स है, वो गाड़ी चलाएं। अगर ये गड्ढे रहेंगे तो वो अल्कोहलिक्स गिरेंगे, वो नशाखोरी करने वाले वे तेज़ रफ्तार में गाड़ी नहीं चला पाएंगे, और बाकी लोग सुरक्षित रहेंगे, उनको आसानी से पकड़ा जाएगा। अगर ये गड्ढे नहीं रहेंगे तो वे आराम से भाग जाएंगे। इस वजह से प्रशासन जो है जनता की फिक्र करते हुए ये गड्ढों को नहीं भर रही है। ऐसे ऐसे तरीके के मजाक उड़ाए जाते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, हमारी प्रशासन के ऊपर। यकीन मानिए, हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम को पूरा यकीन है कि हमारी जो इस वक्त की जो IAS की टीम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सेल में है, बहुत ही एक्टिव है। हम उन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वे जनता के हर परेशानियों को बहुत डीपली लेते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। कई जगहों पे हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने जनता की मांगों पर, उनकी जो भी काम थे उनको किया गया। हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए। हम उम्मीद करते हैं दोबारा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, और जो पूरे द्वीपों में जहां हर कोने से आवाज़ उठ रही है कि सड़कों की हालत ख़राब है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनको इन परेशानी से ज़रूर मुक्ति दिलाएगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यमीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कोई ऑर्डर पास करेगी और हमारे द्वीपों के तमाम वार्ड्स और पंचायत में रास्तों को ठीक किया जाएगा। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।
इसी के साथ मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज के इस खड़े से विदा लेती हूँ। नमस्कार।